हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को इंटीग्रेशन के 10वें लेक्चर में स्वागत करता हूँ। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे एक इम्पोर्टेंट रूल, जिस रूल का नाम था बाई पार्ट रूल। हम लोग जानते थे, क्या जाने थे बाबू, कि जब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन सिंपल मेथड, करने का मतलब सिंपल फार्मूला तथा सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं होता था, तो उसको हम लोग किस रूल पर तोड़ते थे, बाई पार्ट रूल। किस रूल पर, बाई पार्ट रूल। भाई पार्ट रूल करने का मतलब उसमें दो फंक्शन होता था जिसमें हम लोग एक का यू मानते थे और दूसरा का वी मानते थे। हम लोग जान रहे थे कि यू किसको मानते हैं बाबू, यू उसको मानते हैं जो एक्स के पावर एन के रूप में हो या जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता था। वी किसको मानते थे, तो वी उसको मानते थे जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको क्या था, मालूम था। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बाय पार्ट रूल का ही प्रयोग कर एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कहने का मतलब कि जितना भी हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का इंटीग्रेशन निकलेगा वह मेरा या तो साइन इनवर्स एक्स हो या कोस इनवर्स हो या टेन इनवर्स हो या सेक इनवर्स हो या कोसेक इनवर्स हो, ये सभी के लिए हम लोग जो रूल का लागू करेंगे वही सेम रूल रहेगा बाय पार्ट रूल। कहने का मतलब इसमें भी हम अगर दो फंक्शन दिया रहेगा तो क्या करेंगे बाबू, एक को u मानेंगे और एक को v मानेंगे, और कहीं पर अब पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज किया जाएगा। अगर आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है तो आप लोग मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में पार्शियल फ्रैक्शन के 5 लेक्चर होगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग का हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है। तो कहने का मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इनवर्स में दिया रहेगा और उसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम किस रूल पर करेंगे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। कहने का मतलब बाय पार्ट रूल का ही उस पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। कहीं कहीं हम लोग ये भी देखने को मिलेगा कि सेम फंक्शन आ जाएगा, तो अगर हम लोग सेम फंक्शन आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन करना था, अगर वही फंक्शन आ जाएगा तो पुनः उसी को भी आई मान लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसको आई मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं बाबू, आई मान के चलते हैं, और उसका जब इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं तो मेरा वही फंक्शन आ जा रहा है, तो वहां पर आई ही मान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम दो फंक्शन के बाय पार्ट रूल से तोड़ते हैं तो जो फंक्शन दिया रहता था वही फंक्शन आ जाता है, तो वहां पर क्या मान लेते थे बाबू, आई मान लेते थे, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। चलिए मान लेते बाबू हम लोग का पहला क्वेश्चन है, लेट I इक्वल टू हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, चलिए tan इनवर्स x का, किसका इंटीग्रेशन करते हैं बाबू, tan इनवर्स x का। अगर हम लोग के एग्जाम में आ गया बाबू कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कीजिए, तो हम आप लोग कल के लेक्चर में बताए थे, क्या बताए थे बाबू, कि जब कोई भी फंक्शन सिंगल रहेगा और उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा तो उसको क्या मानते थे, यू मानते थे, और अपना मान से वन लेते थे, जिसको क्या मान लेते थे, भी। That is to be right. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, देखिए टू बी राइट हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत क्या बाबू, जिसको वन मानते थे वहां भी मान लेते थे, और जिसको टेन इनवर्स एक्स, कहने का मतलब जिसको हम लोग के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं मालूम था उसको क्या मान लेते थे, यू। चलिए यू का मान बाबू कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स, वी का मान कितना हो गया, वन। सेम टू सेम रूल क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी इंटू डी एक्स, यू को बाहर फेंकते थे, वी को इंटीग्रेट करते थे, माइनस का साइन, बड़ा इंटीग्रेशन कोस्ट में, फर्स्ट फंक्शन के क्या करते थे बाबू, डेरिवेटिव करते थे, इनटू सेकंड फंक्शन के क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता था उसका होल हम लोग क्या कर लेते थे, इंटीग्रेट कर देते थे, वही मेरा क्या हो जाता था, आंसर हो जाता था। चलिए यूजिंग बाय पार्ट रूल, यूजिंग बाय पार्ट रूल। चलिए तो भाई पार्ट रूल बाबू क्या बोलता है, इंटीग्रेशन u into v इक्वल टू क्या होता है बाबू, फर्स्ट फंक्शन को कहाँ फेंक देते हैं बाहर, सेकंड फंक्शन को क्या कर देते हैं बाबू, इंटीग्रेट, माइनस का साइन, चलिए फिर इंटीग्रेशन का
फर्स्ट फंक्शन का क्या करते थे बाबू, डेरिवेटिव करते थे, चलिए डीयू बाई डी एक्स इंटू करते थे। सेकेंड फंक्शन का क्या करते थे बाबू, इंटरग्रेट करते थे, चलिए जो इस कोस्ट का दोनों का प्रोडक्ट आता था उसका होल क्या कर लेते थे, इंटरग्रेट कर लेते, यही ना रूल था। चलिए चलिए बाबू, u के जगह कितना है बाबू tan इनवर्स x, v के जगह कितना है बाबू बोलिएगा 1। चलिए तो तोड़ते हैं बाबू, तो i इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू u tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, चलिए tan इनवर्स x d tan इनवर्स x बाय डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन क्या होता था बाबू किसका, 1 इंटू डी एक्स, तीन होल का क्या कर लेंगे बाबू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना, नहीं होना चाहिए। क्या किए सेम टू सेम, tan इनवर्स को क्या माने हैं u और 1 को क्या माने हैं u, हम लोग tan इनवर्स के u किस लिए माने बाबू, तो हम लोग कल के रूल में पढ़े थे कि जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं मालूम रहेगा उसको क्या मान लेंगे u, लेकिन अगर सिंगल फंक्शन दिया रहेगा अपना मन से 1 मानते थे जो क्या करता था v का काम करता था। चलिए चलिए बाबू तो तोड़ते जाते हैं, i इक्वल टू tan इनवर्स x जीरो का, चलिए बाबू 1 का क्या होता था इंटीग्रेशन x, तो हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बाबू कितना होता था, कितना होता था 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, आप लोगों को याद होना चाहिए, इंटू 1 का मेरा कितना हो जाएगा बाबू 1 का x, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, फिर होल का क्या कर लेना है बाबू, इंटीग्रेशन निकाल देना है, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो बाबू हो जाएगा i इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x बाय 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए बाबू हमको x इंटू dx, अब यहाँ पर किस मेथड का प्रयोग कर लेंगे, सब चिप्सन मेथड का, अगर हम इसको मान लेंगे t, 1 प्लस x स्क्वायर को क्या मानेंगे t, तो x स्क्वायर को जानते हैं कितना होता है बाबू डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, हम लोग को ला लेंगे x इंटू डी एक्स और इसके जगह पर वैल्यू क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे। चलिए तो लेट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू टी, जहां भी हम लोग मानते थे टी तो बोथ साइड करते थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, चलिए करते हैं 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का बाबू तो 2x क्या होता था n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए इसको डी एक्स को इधर क्या करते हैं मल्टीपल कर लेते हैं, तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू बाबू कितना हो जाएगा डी टी, इसलिए x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू डी टी बाई 2, यहाँ तक कोई दिक्कत का नहीं होना चाहिए। सिंपल हम कुछ नहीं कर रहे बाबू, यहाँ से बाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम x इंटू डी एक्स के जगह क्या लिख लेंगे डी टी बाई 2 और 1 प्लस x स्क्वायर को क्या माने हैं ठीक, चलिए पुट करते हैं। चलिए नाउ i इक्वल टू बाबू i इक्वल टू, चलिए ये होगा तो चलते हैं x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x माइनस, चलिए x बाई जो कहते हैं अभी लिख लेते हैं x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर इंटू डी एक्स, चलिए चलिए बाबू x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स का जगह कितना है बाबू डी टी बाई 2, चलिए डी टी बाई 2, चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या माने हैं टी, लिख देते हैं टी, चलिए इंटू चलिए कुछ नहीं तो हो जाएगा बाबू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, चलिए 1 बाई 2 मेरे यहाँ से क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट है बाहर, चलिए 1 बाई 2 क्या बच जाएगा बाबू डी टी बाई टी इंटू कुछ नहीं, चलिए तो हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, चलिए 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू log t, कितना हो जाएगा log
टी प्लस सी। चलिए टी किसको माने हैं बाबू, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का माने है टी। तो चलिए हो जाएगा मेरा फाइनली एक्शन एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ दिक्कत हुआ क्या बाबू? नहीं, एक बार पुनः समझ लेते हैं। जब किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसके लिए हम जिस रूल का उपयोग करेंगे उस रूल का नाम है बाय पार्ट रूल। अगर हम लोग को सिंगल दिया रहेगा, अगर फंक्शन हमको क्या दिया रहेगा सिंगल, और उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी नहीं मालूम रहेगा, तो अपना मन से दिए गए फंक्शन को u और v के जगह पर वन ले लेते हैं। u और v के टर्म में आ जाने के बाद फंक्शन को बाय पार्ट रूल पर तोड़ लेते हैं, और जहां पर जिस मेथड का प्रयोग करने लायक रहता है उस मेथड का क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, और लास्ट में उसको सॉल्व कर, अगर मान लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग किए तो अगर dt का फॉर्म में आया तो लास्ट में t के वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, वही मेरा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो अगर अब आप लोग से कोई पूछेगा कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोल दीजिएगा x tan इनवर्स x माइनस वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही मेरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो के स्किप करके छूटा कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आने वाला वीडियो में हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग करना है। अगर जो बच्चे पुनः बोल रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं, वह मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और पार्शियल फ्रैक्शन का लेक्चर को पढ़ लीजिएगा। चलिए बाबू, चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट है। चलिए उस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए बाबू, तो सेकंड मेरा क्वेश्चन है जो कि आप लोग का प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स क्या करना है, इंटरग्रेट करना है। तो क्या कर लेंगे बाबू, पहले लेट कर लेते हैं आई इक्वल टू जो का जो। चलिए लेट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, फिर क्या करना है इंटरग्रेशन, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए इसमें से हम लोग को किसका इंटरग्रेशन हो सकता है बाबू, तो टेन इनवर्स एक्स का तो हम लोग इंटरग्रेशन का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, हम लोग किसका भी जानते हैं, तो एक्स के पावर दो का क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटरग्रेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको मान लेंगे यू, इसको क्या मान लेंगे बी, उसके बाद यूजिंग कौन सा रूल, बाय पार्ट रूल। चलिए नाउ यूजिंग बाय पार्ट रूल। चलिए बाबू भाई पार्ट रूल क्या बोलता है, यू इंटू बी इंटू डी एक्स क्या होता है बाबू, यू के बाद बी इंटू डी एक्स माइनस का साइन, आप लोग इस रूल को क्या कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद कोस्ट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का क्या होता था, इंटरग्रेशन इंटू डी एक्स। चलिए पुट कीजिए यू के जगह कितना टेन इनवर्स एक्स, बी के जगह कितना बाबू एक्स स्क्वायर। चलिए नाउ आई इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू इंटरग्रेशन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन मेरा कितना है टेन इनवर्स एक्स, उसको बाहर तक किए टेन इनवर्स एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन कितना एक्स स्क्वायर। चलिए इसका करते हैं इंटरग्रेशन, चलिए माइनस का साइन, कोई दिक्कत क्या बाबू नहीं ना। चलिए इंटरग्रेशन कोस्ट ले लेते हैं बाबू, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो चलिए टेन इनवर्स एक्स का क्या करते हैं बाबू, डिफरेंशिएट करते हैं, डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का क्या कर लेते हैं, इंटरग्रेट कर लेते हैं, फिर होल के क्या कर लेंगे बाबू, इंटरग्रेट कर लेंगे। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू टेन इनवर्स एक्स, चलिए एक्स स्क्वायर का मेरा क्या हो जाएगा इंटरग्रेशन, तो एक्स के पावर एन का इंटरग्रेशन होता था एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। चलिए
फॉर्मूला हर जगह कोई भी फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए आप लोग फॉर्मूला को हमेशा किस में रखिएगा, माइंड में रखिएगा। चलिए x के पावर 3 बाई कितना हो जाएगा 3, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 2 प्लस 1 करेंगे 3, अब बाला से 2 प्लस 1 नीचे भी 3। चलिए माइनस का साइन, चलिए बाबू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना अभी लिखे थे तुरंत, 1 प्लस 1 बाई x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का कितना हो जाएगा x के पावर 3 बाई 3 इंटू dx, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए i इक्वल टू हो जाएगा बाबू 1 बाई 3 एक्स क्यूब टेन इनवर्स x, कोई दिक्कत, इसको हम लोग पहले लिख लिया उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अच्छा लगेगा सुटेबल। माइनस, चलिए बाबू अब हम लोग देखिए यहाँ पर 1 बाई 3 को पहले कॉन्स्टेंट बाहर कर लीजिए तो मेरा बच जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब जरा से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर लगाना रहेगा तो लगा लेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ये किस प्रॉपर किस फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर को पहले किस में चेंज करते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते थे बाबू, जब न्यूमरेटर के पावर ज्यादा रहेगा डिनोमिनेटर के पावर कम रहेगा, तो न्यूमरेटर कितना है पावर 3, डिनोमिनेटर कितना है 2, ये किस में है इम्प्रॉपर। जब भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो हम लोग इम्प्रॉपर को पहले किस फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं बाबू, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते थे, डिवाइड मेथड का प्रयोग करते थे, बट हम अभी आप लोग को उससे भी हट के मेथड बताएंगे जो कि बिना पार्शियल फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, नाउ आई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 3 एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 3। चलिए एक्स क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत का बाबू नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानेंगे टी, तो एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए लेफ्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, जहां भी मानते हैं टी वहां पर बोथ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलिए तो करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, चलिए जहां पर मानते हैं टी वहां पर करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलिए यहां पर करते हैं बाबू जरा सा ध्यान दीजिएगा, 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x इक्वल टू dt बाई dx, कोई दिक्कत क्या बाबू नहीं ना। चलिए नाउ तो 2x इंटू dx इक्वल टू हो जाएगा बाबू dt, इसलिए x इंटू dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt बाई 2, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए हमको तो x इंटू dx का वैल्यू मिल गया, लेकिन एक्स स्क्वायर का वैल्यू अभी t के टर्म में चाहिए, क्योंकि सभी फंक्शन को यहाँ पर क्या बनाना पड़ता है t, जब प्रयोग करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड गो। चलिए जरा सा ध्यान देखिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाबू कितना माने थे टी, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा टी माइनस 1, एक्स स्क्वायर का जगह पर क्या पुट कर सकते हैं टी माइनस 1, एक्स इंटू डी एक्स का जगह क्या पुट कर सकते हैं डी टी बाई 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं बाबू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने हैं टी। तो सभी फंक्शन मेरा किसके रिस्पेक्ट में हो गया टी के टर्म में हो गया, तो जब टी के टर्म में हो गया तो आराम से भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं। चलिए नाउ चलिए बाबू तो i इक्वल टू मेरा हो जाएगा बोलिए कितना, 1 बाई 3 tan 1 बाई 3 एक्स क्यू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 3 इंटरगेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए जो कहते हैं बाबू 1 बाई 3 एक्स क्यू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 3, चलिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है टी माइनस 1, चलिए बाबू पुट कर दीजिए टी माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना है बाबू डी टी बाई 2 बाई कितना है बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने है टी, वैल्यू पुट कर देते हैं टी। चलिए तो हो जाएगा बाबू 1 बाई 3 एक्स क्यू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 3, चलिए 1 बाई 2 यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट बाहर फेंक देते हैं तो 1 बाई 2 इंटू कितना बच जाएगा बाबू
टी माइनस वन इंटू डी टी बाई टी, चलिए टी माइनस वन बाई टी इंटू कितना डी टी, चलिए इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, चलिए देखा जाइएगा। तो वन बाई थ्री एक्स क्यू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई कितना सिक्स, चलिए इसको अगर हम लोग इंटरग्रेट करेंगे तो कर सकते हैं टी बाटा टी माइनस वन बाई टी इंटू वन कितना हो जाएगा डी टी, कोई दिक्कत का उनतीस से टी कटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू वन, तो वन इंटू डी टी कितना हो जाएगा टी, वन बाई टी के कितना हो जाता है लॉग टी, चलिए लिख लेते हैं। तो हो जाएगा बाबू आई इक्वल टू मेरा वन बाई थ्री एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई सिक्स, चलिए टी से टी कट गया वन, वन इंटू डी टी तो डी टी हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है टी, चलिए तो हो जाएगा टी माइनस वन बाई टी इंटू डी टी कितना लॉग टी, लॉग टी प्लस सी, चलिए आई इक्वल टू हो जाएगा वन बाई थ्री एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई सिक्स, चलिए बाबू टी को क्या माने हैं बाबू वन प्लस एक्स स्क्वायर का मान है टी, तो वैल्यू रखते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ था बाबू नहीं था, पुनः इस बार इस क्वेश्चन पर क्या किया डिस्प्राइ, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कहानी के मेथड से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं इसमें जिस पार्ट का हम लोग इंटीग्रेशन करने लायक था उसको हम लोग वी मान लिए हैं, जिस पार्ट का हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं मालूम था उसको यू मान लिए, इसमें यू का मान टेन इनवर्स एक्स है और वी का मान एक्स स्क्वायर है, पुनः उसको क्या किए हैं बाई पार्ट रूल का प्रयोग किए हैं, यू को बाहर फेंके वी का क्या किया इंटरग्रेट किए, फिर माइनस का साइन बड़ा इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन के सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका क्या कर दिए इंटरग्रेट कर दिए। अब यहाँ पाया था एक बात वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यू बाई थ्री, अगर वन बाई थ्री को बाहर फेंके थे एक्स क्यू बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा इम्प्रोपर फ्रैक्शन था, अगर इसको हम लोग चाहेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी चेंज कर सकते हैं, अगर इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं पुनः कि पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग क्या कर सकते थे वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू को लिख सकते थे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसको अब अगर मान लेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर को लुटी तो मेरा आया था वैल्यू बाबू एक्स इंटू डी एक्स का जगह कितना डी टी बाई टू, और वन प्लस एक्स स्क्वायर को मान लें टी एक्स स्क्वायर का मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा टी माइनस वन, पूरा वैल्यू को पुट किए और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर क्या कर दिए हल कर दिए। चलिए कोई दिक्कत क्या, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में सिक्स मार्क्स में पूछा गया था, कृपया इस क्वेश्चन पर थोड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोग माइंड में रखिएगा। चलिए बाबू अब चलते हैं एक और तीसरा क्वेश्चन की ओर, जो कि वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी क्वेश्चन आज करेंगे सब किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर करेंगे। चलिए चलिए बाबू तीसरा मेरा क्वेश्चन है बाबू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, चलिए उस क्वेश्चन पर जरा सा ध्यान दीजिए आप लोग, आई इक्वल टू है बाबू लेट कर लेते हैं आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, आप लोग को सभी इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला अच्छा से आना चाहिए, तभी हम लोग अच्छा से इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन करके क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन का हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो इसमें बाबू हम लोग साइन इनवर्स एक्स का तो इंटीग्रेशन आज तक पढ़े नहीं है, बट एक्स स्क्वायर को तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन के रूप में तोड़ सकते हैं। चलिए तो जिसको हम लोग कर सकते हैं उसको मान लेते हैं बी, जिसको नहीं कर सकते उसको क्या मान लेते हैं यू। नाउ यूजिंग कौन रूल बाबू बाई पार्ट रूल, बाई पार्ट रूल का क्या कर लेते हैं प्रयोग कर लेते हैं। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू यू मेरा कौन सा है साइन इनवर्स एक्स, इसको बाहर फेंक दीजिए इस पर पुट करना है। चलिए तो साइन इनवर्स एक्स को बाहर फेंक दिए
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या कर लेंगे हम लोग, बोलिए इंटर गेट कर लेंगे माइनस का साइन। चलिए क्या करेंगे बाबू, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का क्या कर लेते हैं इंटरगेट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जितना आया उस सभी का क्या कर लेंगे इंटरगेट कर लेंगे, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स के पावर एन का मेरा इंटरग्रेशन कितना हो जाएगा तो एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, एक्स के पावर दो प्लस वन बाई दो प्लस वन। चलिए एक्स के पावर तीन बाई कितना हो जाएगा बाबू तीन माइनस, चलिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला तो वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, चलिए एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा इंटरग्रेशन तो एक्स के पावर तीन बाई तीन इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए आई इक्वल टू इसको सुटेबल लिख लेते हैं वन बाई थ्री एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स माइनस, चलिए बाबू इंटरग्रेशन वन बाई थ्री को बाहर फेंक दीजिए वन बाई थ्री एक्स क्यूब बाटा में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पुनः क्या किया अभी पिछला क्वेश्चन में सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, एक्स क्यूब को किसके फॉर्म में तोड़ दिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के टर्म में तोड़ दिए। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा वन बाई थ्री एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई थ्री, चलिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए लेट किसको कर लेंगे नीचे वाले को टी मान लेते हैं लेट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं टी, जहां मानते हैं टी वहां पर क्या करते हैं बाबू डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलिए तो करते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए कीजिए बाबू वन का कितना जीरो माइनस कितना हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू डी टी, इसलिए एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डी टी बाई टू, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं बाबू इसको जो कहते हैं पुट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू निकालना है तो देख लीजिए वन माइनस एक्स स्क्वायर को माने टी, चलिए एक्स स्क्वायर को इधर भेज देते हैं टी के इधर तो वन माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जगह पुट कर लेंगे वन माइनस टी और एक्स इंटू डी एक्स का जगह माइनस डी टी बाई टू और वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माने टी, तो हम सभी फंक्शन मेरा किसके टर्म में आएगा टी के टर्म में आ गया, जब टी के टर्म में आ गया तो अलग अलग देखिए क्या कर सकते हैं। चलिए तो आई इक्वल टू मेरा बाबू आया फंक्शन बोलिए सॉरी वन बाई थ्री एक्स क्यू साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटरग्रेशन बाबू वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए पुट कर दीजिए तो आई इक्वल टू बाबू देख लीजिए, चलिए आई इक्वल टू जो कहते हैं अभी चलते हैं वन बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट फंक्शन में हम लोग को कोई छलखानी नहीं करना है, जो कहते हैं क्या है अपने आप में सही है, अगर नहीं सही रहता तब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं तोड़ सकते थे। चलिए माइनस वन बाई थ्री वैल्यू को पुट करते हैं बाबू एक्स स्क्वायर की जगह कितना बाबू वन माइनस टी एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी बाई टू, चलिए बाबू तो बोलिए एक्स स्क्वायर को जगह हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस टी इंटू माइनस डी टी बाई टू बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माने टी, देख लीजिए वन माइनस एक्स स्क्वायर का माने टी। चलिए सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा बाबू वन बाई थ्री एक्स क्यू साइन इनवर्स एक्स माइनस पहले से माइनस वन बाई टू को मान लेंगे तो प्लस हो जाएगा तो प्लस वन बाई सिक्स इंटरग्रेशन, चलिए बाबू वन माइनस टी बाई रूट टी को हम लोग लिख सकते हैं टी के पावर कितना बाबू वन बाई टू इंटू डी टी, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए पुनः इसको अलग अलग लिख लेते हैं तो हो जाएगा बाबू वन बाई थ्री एक्स क्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई सिक्स
इंटरगेशन लिख सकते हैं वन बाई टी के पावर वन बाई टू माइनस टी बटा में टी के पावर वन बाई टू चलिए के इंटू कितना डी टी, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अभी तोड़ते चलते हैं बाबू, तो वन बाई थ्री एक्स क्यू साइन इनवर्स एक्स जो का तेम ये चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस वन बाई सिक्स। चलिए इंटरगेशन जरा सा ध्यान दीजिएगा, टी के पावर वन बाई टू को हम लोग वन बाई टी के पावर वन बाई टू, टी को क्या लिख सकते हैं टी के पावर माइनस वन बाई टी, चलिए लिख सकते हैं टी के पावर माइनस वन बाई टू, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स के पावर माइनस तीन को क्या लिख सकते हैं वन बाई एक्स के पावर तीन, तो वन बाई टू था तो माइनस वन बाई टू। चलिए माइनस देखिए बाबू एक्स के पावर एम है इसके नियम, हम लोग जानते हैं ए के पावर एम बटा में ए के पावर एन इक्वल टू क्या होता है ए के पावर एम माइनस एन। चलिए एम कितना है वन माइनस वन बाई कितना हो जाएगा टू, तो हो जाएगा टी के पावर वन माइनस वन बाई टू, सबके होल बाबू कितना डी टी, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो हो जाएगा वन बाई थ्री एक्स क्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई कितना सिक्स। चलिए इंटरगेशन अभी ज्यों का त्यों अलग अलग इसको तोड़ लेते हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो हो जाएगा टी के पावर माइनस वन बाई टू के क्या हो जाएगा था टी के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो हो जाएगा चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट तोड़ते हैं टी के पावर माइनस वन बाई टू, चलिए वन माइनस वन बाई टू प्लस वन, कोई दिक्कत का नहीं ना। माइनस इसमें एक में से आधा घटेगा तो आधा ही रहेगा, तो टी के पावर वन बाई टू प्लस वन बटा में वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए जो कहते हैं अभी चलते हैं बाबू, तो वन बाई थ्री एक्स क्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई सिक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। माइनस वन बाई टू में वन को जोड़ेंगे, माइनस आधा में एक को जोड़ेंगे, तो जोड़िए कितना हो जाएगा बाबू, चलिए कितना हो गया दो में से एक गया कितना बाबू एक, एक बटा कितना हो जाएगा दो। चलिए तो हो जाएगा टी के पावर वन बाई टू बाई वन बाई टू, कोई दिक्कत का है ना। चलिए माइनस बोलिए टी के पावर एक और आधा कितना हो जाएगा डेढ़, डेढ़ को क्या लिख सकते हैं तीन बटा दो, तो तीन बटा दो बाई तीन बाई दो, कोई दिक्कत का प्लस सी। चलिए बाबू ये टू हो जाएगा, ये टू बाई थ्री हो जाएगा, तो वन बाई थ्री एक्स क्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई सिक्स इंटू टू टी के पावर वन बाई टू माइनस वन बाई सिक्स इंटू टू बाई थ्री टी के पावर थ्री बाई टू प्लस सी। चलिए टी के वैल्यू को पुट कर देते हैं बाबू, टी के पावर वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं रूट टी, रूट टी तो टी के जगह कितना है वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं वन बाई थ्री एक्स क्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस द्वितीय छ, तो हो जाएगा वन बाई थ्री टी के पावर वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं रूट टी, तो रूट टी के जगह कितना वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए बाबू चलिए द्वितीय छ वन बाई नौ हो जाएगा टी के पावर कितना वन बाई थ्री, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन भी हम सेम टू सेम किए, कुछ नहीं किए थे, यहाँ पर आने के बाद एक्स स्क्वायर एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के टर्म में तोड़ के और नीचे वालों का मान लिए टी मान लिए, जहाँ पर टी माने वहाँ से एक्स स्क्वायर को भी मान को क्या कर लिए निकाल लिए, और एक्स इंटू डी एक्स के मान को भी निकाल कर पुट कर दिए, इन सिंपल तरह से फॉर्मूला का प्रयोग कर हम लोग क्या कर लिए बाबू इंटरगेशन प्राप्त कर लिए, और लास्ट में टी कमान को क्या कर दिए पुट कर दिए, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए ये जो क्वेश्चन था दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग गारंटी के साथ बोलते हैं ये क्या करेगा एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये सब टर्म को जानेंगे, कहीं पर एक टर्म रिपीट कर देगा तो उस टर्म को जो कहते हैं यहां पर आई अगर मान रहे हैं और सेम टू सेम इस फंक्शन के अगर इंटरग्रेट कर रहे हैं तो फिर यही जो कहते हुआ जा रहा है तो हम पुनः वहां पर भी क्या मान सकते हैं आई मान सकते हैं, चलिए इस दिमाग में रखिएगा। चलिए बाबू
आज के वीडियो में हम आप लोगों को कुछ होमवर्क भी देंगे, जिस तरह से हम लोग टेन इनवर्स एक्स क्या किए थे, इंटीग्रेशन प्राप्त किए थे, आप लोग को भी बना के लाना है। सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का हम तो निकाल दिए, कोस इनवर्स एक्स, ये सभी चीज का फॉर्मूला क्या कर लेना है, निकाल लेना है। होमवर्क लास्ट में हम लोग आप लोग को दे देंगे। चलिए सभी फॉर्मूला को दिमाग में प्लीज बाबू केयर करके रखिएगा, ताकि हम लोग का इंटीग्रेशन बनाने में बहुत ही क्या सहूलियत हो। चलिए तो आई इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू बाबू दिया है सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, इसका हम लोग क्या करना है बाबू, इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए तो इसको हम नाउ टू बी राइट, टू बी राइट हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत क्या। चलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है बाबू, कितना होता है टेन एक्स होता है, और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी जानते हैं, इसको मान लेंगे यू, इसको क्या मान लेंगे बी, कोई दिक्कत क्या। नाउ यूजिंग कौन सा रूल बाबू, बाई पार्ट रूल, यूजिंग बाई पार्ट रूल। चलिए बाई पार्ट रूल बाबू हम लोग को क्या बोलता है, आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का हम लोग क्या करते थे बाहर, यू को बाहर, सेक एक्स, सेकेंड फंक्शन सेक एक्स पर एक्स इंटू डी एक्स का क्या करते हैं इंटीग्रेट, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन पोस्ट ब्रैकेट लेते थे, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो यू को क्या कर लेंगे डी सेक एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेट सेक एक्स पर एक्स इंटू डी एक्स, फिर होल का क्या लगा देंगे डी एक्स, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू जी हम कहते हैं सेक एक्स इंटू सेक एक्स पर एक्स इंटू डी एक्स, किसका फॉर्मूला होता है टेन एक्स का माइनस। चलिए बाबू जरा सा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा बाबू, बोलिए आप लोग कितना होता है टेन एक्स, अब होल का क्या कर लेते हैं बाबू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, बोलिए कितना हो जाएगा बाबू। चलिए सेक एक्स को जो कहते हो जो कहते हो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए ये दोनों अलग अलग हो गया, तीन अगर करेंगे तो कुछ फायदा होगा नहीं, हम लोग क्या करते हैं इसको सेक के टर्म में तोड़ लेते हैं बाबू, जरा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है वन, ये हम लोग क्या किए हैं टेंथ क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं कुछ, और यहाँ से टेन स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं, टेन स्क्वायर का मान यहाँ से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। चलिए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स। चलिए बाबू टेन स्क्वायर एक्स का जगह कितना पुट करते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, चलिए आई इक्वल टू हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन बाबू सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होल का क्या है बाबू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, चलिए मल्टीपल करते हैं बाबू सेक क्यू एक्स माइनस सेक एक्स इंटू कितना बाबू होल का डी एक्स, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोई दिक्कत का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए बाबू माइनस इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा सेक क्यू एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन बाबू सेक एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस,
कितना हो जाएगा बाबू इसका, चलिए देख सकते हैं। चलिए sec क्यू एक्स, देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू कितना था sec क्यू एक्स। चलिए तो लिख लेते हैं, जो करते हैं इतना दूर को क्या लिख सकते हैं बाबू, आई ही लिख सकते हैं। आई प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए sec x का इंटीग्रेशन कितना होता था, तो log कितना होता था बाबू, log sec x प्लस सी, यही होता था, यही होता था ना। चलिए I इक्वल टू sec x माइनस tan x माइनस I प्लस log sec x प्लस सी, यही होता था। sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपन log sec x प्लस का होता था सी, चुपचाप क्या कर देंगे फॉर्मूला को पुट कर देंगे। चलिए अब हम देखिए इधर I माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो देख लीजिए बाबू जरा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए आई एगो इधर आएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा बाबू, आई प्लस आई इक्वल टू sec x इंटू कितना tan x, sec x इंटू tan x प्लस log sec x प्लस सी। चलिए तो टू आई इक्वल टू हो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस log sec x प्लस सी। चलिए इसलिए आई इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू sec x इंटू tan x प्लस log sec x प्लस सी, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, पहले भी रूल बता दिए थे कि जहां पर i रिपीट कर दिया सेम फंक्शन मिल गया वहां पर जो करते हो क्या मान लेंगे, i मान लेंगे, उसके बाद जो करते हो क्या कर देंगे रिपीट को कर देंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट, हम लोग sec इनवर्स x का हम लोग इंटरगेट करेंगे, क्या करेंगे sec इनवर्स x का इंटरगेट करेंगे। चलिए इसको अच्छा से बना लीजिएगा, हमें यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये फॉर्मूला सही है या गलत, क्योंकि हमको फॉर्मूला दिमाग में नहीं है, अगर फॉर्मूला सही होगा तो जो log sec x प्लस सी या log कुछ होगा तो वहां पर फॉर्मूला क्या कर दीजिएगा पुट कर दीजिएगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला भी दिमाग में नहीं है। चलिए अब बाबू हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग सभी फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं है, जहां पर फॉर्मूला को डायरेक्ट पुट करने वहां पर पुट करेंगे, जहां पर नहीं पुट करने वाला रहेगा वहां पर बाईपार्ट रूल या सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर उसको हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, आई इक्वल टू हमको इंटरग्रेट करना है sec इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में हम लोग को एक ही फंक्शन है और उसका हम लोग इंटरग्रेशन का फॉर्मूला भी नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे बाबू, अपना मन से दिए गए फंक्शन को यू और अपना मन से एक को क्या मान लेते थे भी। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू वन इंटू sec इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, यू का मान भी का मान वन, यू का मान sec इनवर्स एक्स। चलिए नाउ यूजिंग कौन रूल बाबू, बाई पार्ट रूल, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए यूज करते हैं, आई यू को फेंकते हैं बाहर तो sec इनवर्स एक्स, भी को करते हैं इंटरग्रेट तो वन इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत, माइनस का साइन जो का त्यों इंटरग्रेशन। चलिए sec फर्स्ट यू को क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट, डी sec इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन को करते थे इंटरग्रेट, तभी का मान है वन इंटू डी एक्स इंटू बाबू डी एक्स, कोई दिक्कत क्या, चुपचाप कुछ नहीं कर ले इसी रूल पर तोड़ते आ जा रहे हैं। चलिए तो आई इक्वल टू हो गया बाबू
sec इनवर्स x, 1 का कितना हो जाता है x माइनस sec इनवर्स x का हम लोग क्या होता है बाबू, sec इनवर्स x का आप लोग को मालूम है क्या होगा डिफरेंशिएटर, तो 1 बटा में x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 यही होता है, इनटू 1 का कितना होता है x, इनवर्स का क्या हो जाएगा dx, x से x का आ जाएगा बाबू कैंसिल, चलिए आ गया I इक्वल टू x इंटू sec इनवर्स x माइनस इंटरग्रेशन 1 बटा में x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू dx। अब जरा सा यहाँ पर भी कहीं भी कोई फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे 1 बटा में अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम लोग क्या किए थे, तो क्या फॉर्मूला होता था log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c यही होता था आपको, फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा, जहां जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूला क्या कर लेंगे यूज कर लेंगे। चलिए I इक्वल टू x sec इनवर्स x माइनस a के जगह कितना है बाबू 1, x के जगह जो करते हो, चलिए तो वो हो जाएगा मेरा बाबू log कितना बाबू x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इस एकदम लॉलीपॉप था, इसको बोल सकते हैं लॉलीपॉप, कुछ नहीं करना था, सिंपल क्या करना था बाबू, हम आप लोग को बता चुके हैं, क्या बताए हैं कि अगर दो एक फंक्शन रहेगा और उस फंक्शन को हम लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं मानेगा तो उस फंक्शन को यू मान लेते हैं और अपना मन से एक लेते हैं जिसको भी मान लेते हैं और चुपचाप भाई पार्ट पर तोड़ दिए, यहाँ पर काम आया फॉर्मूला के, तो अंडर 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी फॉर्मूला पर पुट कर दिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोगों का इस पर होमवर्क भी दे देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, ये लॉलीपॉप था, ये 4 नंबर आप लोग का ऐसे ही आ जाएगा। चलिए बाबू देखिए अगला हम लोग करने वाले हैं साइन इनवर्स एक्स का, किसका कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का, आई इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं बाबू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत क्या है ना। चलिए साइन इनवर्स एक्स का तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमको आता है लेकिन इंटीग्रेशन का नहीं आता है, तो इसको भी सिंगल फंक्शन है तो इसको मान लेंगे यू और अपना मन से वन लेंगे जिसको क्या मान लेंगे डी, मानने के बाद यूजिंग बाई पार्ट रूल, चलिए यूजिंग बाई पार्ट रूल, चलिए बाबू बाई पार्ट रूल का प्रयोग करते हैं, तो बाई पार्ट रूल क्या बोलता है बाबू कि क्यू को बाहर फेंक देते हैं तो आई इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स को बाहर फेंक देते हैं, वन को इंटरग्रेट करते हैं, चलिए माइनस का साइन इंटरग्रेशन क्या करते हैं यू को डिफरेंशिएट करते हैं तो डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इंटू बाबू सेकेंड फंक्शन वन इंटू डी एक्स का डिफरेंशिएट नहीं इंटरग्रेट कर लेंगे इंटू होल का लगा देंगे डी एक्स, इसमें कोई नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। चलिए आई इक्वल टू चलिए साइन इनवर्स एक्स, वन का कितना बाबू एक्स माइनस इंटरग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है बाबू डिफरेंशिएशन तो वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का कितना एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसको मान लेंगे बाबू टी तो मानेंगे टी तो कर देंगे सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या करेंगे एक्स इंटू डी एक्स के टर्म में आ जाएगा। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस जो का तभी लिखते हैं एक्स डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लेट,
वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं टी, और जहां मानते हैं टी कर लेते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। चलिए तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो हो जाएगा बाबू वन का जीरो माइनस टू एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत क्या। माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है डी टी, इसलिए बाबू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी टी बाई टू, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो एक्स इंटू डी एक्स का माइनस डी टी बाई टू पुट कर लेंगे, और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का जगह क्या पुट करना है बाबू टी, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए नाउ आई इक्वल टू हो जाएगा कितना बाबू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, चलिए एक्स डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा, बोलिए बाबू जो कहते हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, चलिए एक्स इंटू डी एक्स का जगह कितना माइनस डी टी बाई टू, चलिए माइनस डी टी बाई टू बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत का है ना। चलिए चलिए देख लीजिए वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माने थे बाबू, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर टी, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं टी। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू को बाहर फेंक दीजिए तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, यहाँ पर माइनस वन बाई टू फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस वन बाई टू, फिर बच जाएगा डी टी बाई रूट कितना टी इंटू। चलिए चलिए अब क्यों यहाँ पर डी एक्स था तो आई इक्वल टू हो जाएगा बाबू, देखिए सॉरी यहाँ पर डबल डी एक्स लिखा गया था। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू, चलिए लिख सकते हैं रूट टी को वन बाई टी के पावर वन बाई टू, कोई दिक्कत इंटू डी टी, पावर ऊपर जाएगा माइनस में। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू इंटरगेशन टी के पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी टी, टी के पावर माइनस वन बाई टू का क्या हो जाएगा एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू टी के पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन बटा माइनस वन बाई टू प्लस वन। चलिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू, चलिए टी के पावर एक में से आधा घटेगा तो आधा आ जाएगा टी के पावर वन बाई टू बटन वन बाई टू वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस टी के पावर वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं रूट टी। चलिए टी का वैल्यू कितना है बाबू वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, कहने का मतलब कोई पूछ देगा कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बाबू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही का आंसर हो जाएगा। पुनः एक बार समझ लीजिए अगर कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हम लोग को इंटीग्रेट करना रहेगा तो क्या करेंगे, सिंगल फंक्शन रहेगा तो सबसे पहले अगर उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो उसको यू मान लेंगे, और जो मेरा अपना मन से एक को भी मान लेते हैं, उसके बाद वही पार्ट रूल का प्रयोग करेंगे, जो कहते हैं क्या करते जाएंगे प्रोसेस को अपनाते चले जाएंगे। चलिए इसके बाद हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं, और होमवर्क देने के बाद क्या करना है आप लोगों को बता देते हैं। चलिए चलिए बाबू जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग का होमवर्क आज है आप लोग को इंटीग्रेशन करके लाना है वन में, इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, दूसरा लाना है आपको कोसेक इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, तीसरा लाना है आप लोग को कॉट इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स,
चौथा लाना है आपको कितना, चलिए कोट हो गया कोस हो गया sec x स्क्वायर इंटू sec इनवर्स x इंटू dx, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए पांचवा लाना है आपको x स्क्वायर इंटू कोट इनवर्स x इंटू dx। चलिए आप लोगों कल के लिए कितना होमवर्क है, पांच होमवर्क है। ये सभी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है। आप लोगों को पांचों क्वेश्चन क्या कर लेना है, बना लेना है। चलिए बाबू आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछेगा। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्त को भी प्रोवाइड कीजिए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए कि आने वाले समय में आप लोग को लाइव क्लास भी हम लोग दे सकें। थैंक यू।